अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHFA 7 लाहौर के अंदर, जहां पर हम विजिट करेंगे वन किनाल ब्रांड न्यू क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ फुली फर्निश्ड हाउस, जिसके अकोमोडेशन के अंदर आपको 5 बेडरूम 6 बाथ इंडिपेंडेंट लिविंग एरिया आपको दोनों फ्लोर्स के ऊपर मिलेंगे, ड्राइंग डाइनिंग और सेपरेट जो है वो किचन मिलेगा। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो अराउंड 5200 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है और 50x90 के स्टैंडर्ड डायमेंशन के ऊपर ये जो है वो घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। यूटिलिटीज़ के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और वाटर कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंस, सीसीटीवी कैमरे और फायर एक्सटिंग्विशर की जो है वो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इसमें हुई हुई है। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलें तो एक्सटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर आपको आउटर लॉन की स्पेस मिलेगी, जहाँ पर आप ये लश ग्रीन जो है वो गार्डन देख सकते हैं, जो कि 16 फीट वाइड डायमेंशन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। 6 फीट की हाइट के ऊपर आपको इसकी बाउंड्री वॉल मिलेगी और कम्प्लीटली वाइट कलर की वेदर शीट के साथ जो है वो आपको इसका एक्सटीरियर की जो है वो एक लुक मिलेगी। मिड के अंदर आपको मोल्डिंग के डिज़ाइन मिलेंगे, जिसके टॉप के ऊपर आप स्पॉटलाइट का भी यूज़ देख सकते हैं और उसके ऊपर रैम्प। उसके बाद चलते हैं रैम्प की तरफ, जो कि अगेन यहाँ पर आपको मार्बल का यूज़ मिलेगा और दो सेपरेट्स जो हैं वो आपको गेट के अंदर से इसकी जो है वो एक्सेस मिलेगी, जहाँ पर आप प्रॉपर वॉक थ्रू के लिए सेपरेट गेट और कार के एंट्रेंस के लिए जो है वो मेन गेट का यूज़ किया गया है। डायमेंशन की अगर हम बात करें गेट की, तो अप्रोक्सीमेटली 24 फीट वाइड जो है वो डोर की मेन एंट्रेंस है और टॉप के ऊपर जो है वो आप इलेक्ट्रिक फेंस की जो है वो इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कार गिराज की तरफ। तो घर में एंटर होते ही साथ आप कार गिराज की जो है वो स्पेस देख सकते हैं, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3-4 कार की पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगी और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको इनर लॉन की स्पेस मिलेगी। सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो स्टोरेज की स्पेस है वो आपको फ्रंट के ऊपर मिलेगी और दोनों साइड से अगेन आपको एज पर DHA बायलास 5x5 फीट की जो है वो ओपन स्पेस यहाँ पर मिलेगी। घर के फ्रंट एलिवेशन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलें तो अगेन आपको ये कम्प्लीट वाइट कलर की वेदर शीट मिलेगी, जहाँ पर आपको स्पॉटलाइट्स और मोल्डिंग के डिज़ाइन अगेन मिलेंगे वॉल के ऊपर और कम्प्लीटली जो है वो एक सिंपल डिज़ाइन जो है वो फ्रंट के ऊपर आपको मिलेगा, जो कि अगेन वन कलर थीम के साथ ये कम्प्लीट एलिवेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। कार गैराज के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर अगेन आपको यहाँ पर मोज़ेक का यूज़ मिलेगा और राइट साइड के ऊपर अगेन प्लांटर के लिए जो है वो स्पेसिफिक स्पेस जो है वो डिज़ाइन की गई है। मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं तो मेन एंट्रेंस के ऊपर आपको अगेन कंप्लीट जो है वो वाइट मार्बल का यूज़ मिलेगा और 8 फीट हाइटेड डोर की एक्सेस मिलेगी। अगर हम डोर की तरफ चलें तो अगेन ये UPVC के जो हैं वो सेमी सॉलिड डोर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जहाँ हम एंटर होते ही साथ अगेन आपको जो है वो डबल हाइट एक लॉबी का व्यू मिलेगा। राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो है वो स्टेयर की एक्सेस मिलेगी, जो कि अगेन रॉट आयरन के साथ डिज़ाइन की गई है और टॉप के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर मार्बल का यूज़ मिलेगा। फ्लोर के ऊपर अगेन आपको 2x4 टाइल का यूज़ मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग डाइनिंग की एक्सेस मिलेगी, जहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं फुली फर्निश्ड जो है वो आपको स्पेस मिलेगी। 8 पर्सन की सिटिंग स्पेस आपको मिलेगी डाइनिंग के अंदर और अराउंड 12-14 पर्सन की सिटिंग कैपेसिटी आपको ड्राइंग रूम के अंदर मिलेगी। इंटीरियर की तरफ चाहें तो आपको ये ऑफ वाइट कलर के अंदर पेंट का यहाँ पर यूज मिलेगा और वॉल के अंदर आप ये मोल्डिंग के डिज़ाइन देख सकते हैं। और अगेन अगर हम विंडो की तरफ चलें तो आपको ये भी 8 फीट हाइटेड की जो है वो विंडो की स्पेस मिलेगी। डाइनिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर आपको पाउडर रूम की स्पेस मिलेगी और जिसकी एक्सेस से पहले ही आपको जो है वो एक कंसोल और डेकोर आइटम जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। पाउडर रूम की तरफ चलें तो अगेन आपको ये डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कलर की कम्बिनेशन के अंदर इसकी स्पेस मिलेगी, जिसकी सैनिटरी जो है वो कम्प्लीटली आपको कैले की मिलेगी, वॉल हैंग कमोड और उसके बाद जो है वो वैनिटी की स्पेस दे सकते हैं। अगेन इसमें जो है वो मोस्टली जो आपको सैनिटरी है वो कैले की यहाँ पर नज़र आएगी। पाउडर रूम के बाद हम चलते हैं मेन लिविंग एरिया की तरफ, जिसकी मेन एक्सेस अगेन आपको 8 फीट हाइटेड डोर के साथ मिलेगी और यहाँ पर हम एंटर होते ही साथ आपको एक L शेप आपको एक सिटिंग स्पेस मिलेगी, जिसकी बैक साइड के ऊपर आपको
विंडो की जो है वो एक्सेस मिलेगी। वॉल के ऊपर अगेन आपको वॉलपेपर, और उसके बाद अगर हम मीडिया वॉल की बात करें तो आपको बॉटम के ऊपर आपको फायरप्लेस, और कंप्लीट वॉल के ऊपर जो है वो आपको वुडन की पैनलिंग्स मिलेंगी। बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको किचन की एक्सेस मिलेगी, और यहाँ पर एंटर होते साथ आपको अगेन एक 4 पर्सन की जो है वो डाइनिंग की स्पेस मिलेगी। कम्प्लीटली जो है वो टॉप और बॉटम के ऊपर आपको स्टोरेज कैपेसिटी, और बैक साइड के ऊपर जो है वो आपको डर्टी किचन मिलेगा। अगेन इसकी डर्टी किचन की एक्सेस भी आपको मेन किचन और बैक साइड से ऊपर जो है यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ, तो आपको ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 रूम्स की स्पेस मिलेगी, जहाँ पर एक मास्टर बेडरूम जो कि कम्प्लीटली जिसका आप फ्लोर देख सकते हैं मैट टाइल का वुडन कलर के अंदर, और बैक साइड के ऊपर जो है वो पैडिंग्स का यूज़ मिलेगा। वॉल के ऊपर अगेन यहाँ पर भी आपको जो है वो कंप्लीट वॉल के ऊपर वॉलपेपर का यूज़ मिलेगा। उसके बाद अगर हम सीलिंग के डिज़ाइन की तरफ चलें तो अगेन कम्प्लीटली जो है वो एलिवेशन के साथ सिमिलर सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा, जिसके अंदर आपको अगेन यहाँ पर भी जो है वो मोल्डिंग के डिज़ाइन और स्पॉटलाइट्स का जो है वो यूज़ मिलेगा। उसके साथ चलते हैं रूम के साथ अटैच बाथ, और बाथरूम के अंदर भी अगेन आपको सेम वॉल हैंग कमोड केले का, रेन शॉवर, और वॉल के ऊपर जो है वो आपको करारा टाइल का जो है वो यूज़ मिलेगा। शॉवर एरिया को अगेन जो है वो ग्लास के साथ सेपरेट किया गया है, और क्लोजेट की जो स्पेस है वो आपको डोर की बैक साइड के ऊपर मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, फ्लोर अगेन यहाँ पर भी आपको वुडन कलर के अंदर मैट टाइल में मिलेगा, जहाँ पर 2 पर्सन की सिटिंग स्पेस, और अगेन एक किंग साइज जो है वो बेड का आपको यूज़ मिलेगा। और अगर हम इसके सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो अगेन आप ये देख सकते हैं इसके सीलिंग का डिज़ाइन, यहाँ पर भी अगेन जो है वो मोल्डिंग का यूज़ किया गया है। ओवरऑल थीम के अंदर आपको हर रूम और वॉल के अंदर जो है वो मोल्डिंग की जो है वो चीज़ें मिलेंगी। रूम के साथ अटैच बाथ, और लाइट कलर के थीम के अंदर ये वॉशरूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप अगेन वाइट, लाइट ग्रे और लाइट ब्राउन कलर का टेक्सचर देख सकते हैं टाइल के ऊपर। वॉल हैंग कमोड, और बैक साइड के ऊपर जो है वो आपको रेन शॉवर की स्पेस मिलेगी। क्लोजेट की स्पेस अगेन यहाँ पर भी आपको डोर की बैक साइड के ऊपर मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको 2 बेडरूम, लिविंग एरिया, किचन, ड्राइंग डाइनिंग और पाउडर रूम की जो है वो स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसकी एक्सेस अगेन आपको एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पे मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 24 फीट हाइट सीलिंग जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, और यहाँ पर एंटर होते ही साथ आपको अगेन ट्रेंडिंग डिकोर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और मिड के अंदर आपको शैंडलियर मिलेगा। स्टेयर केस के अगर हम ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको रॉट आयरन का जो है वो फ्रेम्स मिलेगा, जिसके टॉप के ऊपर आप वुडन की बार देख सकते हैं, और एंटर होते ही साथ सामने आप सबसे पहले आपको जो है वो लिविंग एरिया की स्पेस मिलेगी, और बैक साइड के ऊपर जो है वो आपको इनर कोर्टयार्ड मिलेगा, बारबेक्यू एरिया की स्पेस। सेपरेट जो है वो इंडिपेंडेंट किचन की स्पेस भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की गई है, और यहाँ से जो है वो आपको आउटर टेरेस की जो है वो एक्सेस मिलेगी। अगेन यहाँ आप वॉल के ऊपर देख सकते हैं आपको वेदर शीट का यूज़ मिलेगा, फ्लोर के ऊपर कंप्लीट टाइल, और 4 फीट हाइटेड जो है वो आपको इसकी सेफ्टी ग्रिल्स मिलेंगी। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ, तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको 3 बेडरूम की स्पेस मिलेगी। सबसे पहले जो है वो गेस्ट बेडरूम, अगेन गेस्ट बेडरूम को जो है वो डार्क थीम के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको ब्लैक पैडिंग,
वुडन पाइलिंग और डार्क ग्रे कलर का जो है वो आपको वॉलपेपर का यूज़ मिलेगा। कॉफ़ी चेयर और किंग साइज़ जो है वो आपको यहाँ पर बेड की स्पेस मिलेगी। उसके साथ अटैच बाथ, और बाथरूम के अंदर अगेन आपको गोल्डन टेक्सचर, वाइट और जेट ब्लैक कलर का ओवरऑल थीम यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। वॉल हैंग कमोड अगेन, और आपको टेले की जो है वो वैनिटी मिलेगी, और दूसरी साइड के ऊपर आप रेन शॉवर की जो है वो स्पेस देख सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स मास्टर बेडरूम या गेस्ट बेडरूम। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। बारबेक्यू एरिया के एक्सेस आपको दोनों रूम्स और लिविंग एरिया के अंदर से जो है वो मिलेगा। सेकंड बेडरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फ्लोरिंग जो है वो मैट टाइल की मिलेगी, और अगेन एक क्वीन साइज यहाँ पर आपको बेड मिलेगा। और उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर आपको जो है वो अगेन डबल जो है वो आपको वैनिटी मिलेगी, वॉल हैंग कमोड, और दूसरी साइड के ऊपर आपको बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर शावर का एरिया मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। फ्लोर की तरफ अगर हम चलें तो आपको सब फ्लोर्स जो हैं वो वुडन कलर में मैट में मिलेंगे, जहाँ पर नॉर्मली आपको कंप्लीट बेडरूम के अंदर एक किंग साइज बेड, ड्रेसिंग साइड टेबल, सिटिंग स्पेस और जो है वो रग की जो है वो एसेसरीज मिलेंगी। रूम के साथ अटैच बाथ, और अगेन ये वॉशरूम भी जो है वो आपको लाइट कलर में मिलेगा, जिसमें आप फ्लोर और वॉल की टाइल का कम्बिनेशन जो है वो अगेन देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं और बारबेक्यू एरिया की स्पेस की तरफ, जिसकी एक्सेस जो है वो आपको तीनों साइड से मिलेगी। रूफटॉप के एक्सेस के लिए जो है वो यहाँ पर सेपरेट आपको आयरन की जो है वो स्टेयर्स डिज़ाइन की गई है, और अगेन आपको इसकी वॉल के ऊपर वेदर शीट का जो है यूज़ मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स वन कैनाल ब्रांड न्यू हाउस का ओवरव्यू, जिसकी अकोमोडेशन आपने विजिट कर ली। प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 12 करोड़ है। वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।